YouTube channel and yes, we have a different background today because मुझे लगा कि बैठ कर ना मैं कोट्स अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी तो मैंने सोचा कि ऐसे दिखाना ठीक रहेगा. So winter season is here and of course I wanted to try some items, new items from Urban Edge. If you look at the collection, they are adding new trendy items which are going to be top trend this fall winter 2022, like this leopard print, bright colors, you know, puffy teddy jackets. Bomber jackets are gonna be huge trend this fall. इस वीडियो में मैंने कोट्स जैकेट स्वेटर्स कवर किए हैं. So like always, कुछ आइटम्स मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है और कुछ आइटम्स मुझे नहीं पसंद आया है. ओके, आई टॉक्ड अ लॉट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस होल वीडियो. आई वांट टू स्टार्ट विद अ जैकेट. दिस इज द जैकेट, दे आर कॉलिंग इट ट्रेंच कोट. आई डोंट नो व्हाई, आई मीन दिस इज नॉट ट्रेंच कोट. सो दिस वन आई रियली रियली लाइक. मुझे ये पैटर्न और न्यूट्रल कलर कॉम्बो बहुत पसंद आया. तो ये थिक मटेरियल है, सॉफ्ट है, इसे पहनने के बाद कोई भी इरिटेशन वगैरह मुझे नहीं लगी. फॉर रुपीज 1500 मुझे इसका प्राइस पॉइंट करेक्ट लगा. ये मटेरियल काफी वार्म है, इसे लेयरिंग में आसानी से यूज किया जा सकता है फॉर हैवी विंटर्स. मुझे इस जैकेट का फिट अच्छा लगा. ये बहुत ज्यादा ओवरसाइज्ड भी नहीं है और रेगुलर फिट भी नहीं है. इसका लेंथ हिप्स के थोड़ा नीचे तक आएगा. आई रियली लव इट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लुक्स, इट लुक्स सुपर. दिस जैकेट लुक्स सो कूल यू गाइस, मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगी. बॉम्बर जैकेट्स आर बैक एंड इट्स अ बिग ट्रेंड दिस फॉल एंड विंटर. यू विल सी बॉम्बर जैकेट्स एवरीवेयर. यू चेक ज़ारा, H&M, अर्बेनिक पर भी काफी बॉम्बर जैकेट्स मिल जाएंगे. मैंने ये क्रॉप्ड बॉम्बर जैकेट ट्राई किया है फॉर रुपीज 1 to 5 साइज एक्स्ट्रा स्मॉल. तो ये बॉम्बर जैकेट्स के बारे में आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन. तो ये मुझे लुक वाइज बहुत अच्छा लगा, बट क्वालिटी वाइज इट इज नॉट दैट ग्रेट. आई मीन इसका प्राइस भी कम है तो मैं उतना ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगी इस जैकेट पे. सो पॉजिटिव साइड में लुक वाइज लव इट, इट इज ट्रेंडी पीस, सो स्टाइलिश, क्रॉप्ड है, उस वजह से मुझे और भी ज्यादा पसंद आया. पहनने के बाद ये काफी कंफर्टेबल है, फैब्रिक सॉफ्ट सा है, क्वालिटी वाइज इट इज ओके ओके. दिस जैकेट इन एक्स्ट्रा स्मॉल इज अ रेगुलर फिट जैकेट फॉर मी. अगर आपको ओवर साइज चाहिए तो यू कैन गो वन साइज अप. ऑन नेगेटिव साइड इसे लाइनिंग नहीं दी हुई है. अगर मैं इसे लाइट के सामने पकड़ू तो इट इज सी थ्रू. जैकेट है तो सी थ्रू रहे भी तो इट डजंट मैटर, बट माय पॉइंट इज कि ये पतला सा मटेरियल है तो ये उतना ज्यादा वार्म नहीं रहेगा. फिलहाल जो वेदर चल रहा है, आई थिंक इट इज 28 डिग्री, तो इस वेदर के लिए ये अच्छे से काम कर जाएगा. बट जो जनवरी दिसंबर जो ठंडी रहता है ना, जहाँ पे 8-9 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उस टाइम पे ये कुछ भी काम नहीं आएगा. फॉर मी दिस इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. मैं इसे रेकमेंड करूंगी ओनली इफ यू लिव समवेयर जहाँ पर ठंडी ज्यादा नहीं रहती है, और इफ यू आर बाइंग इट जस्ट फॉर द लुक एंड स्टाइल देन गो फॉर इट. अगर आप वो जनवरी दिसंबर वाली ठंडी सोच के ले रहे हो तो बैड आइडिया. नेक्स्ट कोट इज वन ऑफ माई फेवरेट इन दिस हॉल, दिस लेपर्ड प्रिंट कोट. फॉर रुपीज 1981 साइज स्मॉल. ये कोट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, रियली लव इट. एंड लेपर्ड प्रिंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बिग ट्रेंड दिस फॉल विंटर. फॉर द प्राइस पॉइंट इट इज टोटली वर्थ इट. ये मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इट फील सो नाइस एंड कम्फर्टेबल ऑन स्किन. ये मटेरियल वॉर्म भी बहुत ज्यादा हैवी विंटर्स के लिए मुझे ये क्यूट स्टाइलिश फरी कोट लगा. इस कोट को भी अंदर से लाइनिंग नहीं दी हुई है, अगर होता तो बहुत अच्छा रहता, पर विदाउट लाइनिंग भी मुझे काफी अच्छा लगा. इट इज सॉफ्ट, लाइट वेट एंड वॉर्म. ये ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लगेगा और मेरा आधा वार्डरोब ब्लैक कपड़ों से भरा हुआ है. आई एम श्योर आई विल बी वेयरिंग दिस कोट अ लॉट, सो दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर मी दिस विंटर. मैं इस कोट को हाईली रेकमेंड करूंगी हैवी विंटर्स के लिए. नाउ लेट्स शिफ्ट फ्रॉम समथिंग आई लव टू समथिंग आई हेट. ये भी एक फर कोट है इन कैमल कलर, साइज स्मॉल, और ये काफी एक्सपेंसिव था, 3500 रुपीज. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये कोट काफी प्रीमियम क्वालिटी का रहेगा बिकॉज प्राइस इज हाई, राइट. बट मुझे ये लुक वाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये कोट 3500 का है. ये जो आउटर मटेरियल है ना, इसका जो ये फिनिशिंग है, इट्स नॉट गुड ऑनेस्टली. आई डोंट नो, मे बी दिस पिक्चर इज हैवीली एडिटेड. इस पिक्चर में इस कोट का फिनिशिंग बहुत सही लग रहा है, रियलिटी में मुझे ये फिनिशिंग इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. तो इसके पॉजिटिव साइड्स भी है, वो भी मैं कवर करती हूँ. फर्स्ट, दिस कोट इज रियली वॉर्म. फ्लीस वाला मटेरियल इसके अंदर दिया हुआ है. कोई भी चीज जिसमें फ्लीस रहेगा वो काफी आपको वार्म रखेगा. दिस कोट विल कीप यू वार्म फॉर हैवी विंटर्स. सेकेंड, दिस कोट फील्स कंफर्टेबल टू वेयर एंड दिस मटेरियल फील्स नाइस एंड सॉफ्ट ऑन स्किन. थर्ड पॉइंट विच आई रियली लाइक इज कि ये काफी लाइट वेट. नेगेटिव साइड में आई डोंट थिंक इट्स वर्थ द प्राइस पॉइंट, इट इज ओवर प्राइस. इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड ओवरऑल फिनिश आई डोंट रियली लाइक इट दैट मच. और एक चीज मैंने नोटिस की कि ये जो फरी मटेरियल है ना, ये मैंने
ब्लैक टॉप पहना था तो उसके ऊपर पूरा लग रहा था। मुझे नहीं पता कैमरा में कैच होगा या नहीं। इट्स नॉट लुकिंग अ गुड क्वालिटी कोट जिसके लिए आई पेड 3,500 रुपीज। कोट में अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों भी है। मुझे पर्सनली इस प्राइस में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो मैं इसे रेकमेंड भी नहीं करना चाहूंगी, बट हो सकता है कि आप अगर इसे ट्राई करो तो आपको ये पसंद है, बट यस मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। सो वन मोर थिंग आई डोंट वॉन्ट टू रेकमेंड इज दिस लेदर जैकेट। दिस जैकेट इज फॉर 1905 साइज स्मॉल। दिस जैकेट लुक्स कूल स्टनिंग लुक वाइज 10 out of 10, बट क्वालिटी वाइज फॉर 2,000 रुपीज आई डू नॉट लाइक इट। ये बीच के मटेरियल को टच करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल भी अच्छा क्वालिटी नहीं है। इसके अंदर लाइनिंग भी नहीं है यार, एटलीस्ट लाइनिंग तो दे देना था 2,000 में। विदाउट लाइनिंग दिस मटेरियल इज वेरी थिन, बहुत थिन मटेरियल है तो ये वॉर्म भी उतना नहीं रखेगा। ये लेपर्ड प्रिंट फॉरी मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज वॉर्म, इसे टच करते इट इज वॉर्म, इट इज रियली सॉफ्ट, पर ये पूरे जैकेट के अंदर नहीं है। ये इसके कफ्स और ये कॉलर लाइन पर दिया। I really wish ये लेपर्ड वाला फजी फैब्रिक का पूरा इनर लाइनिंग रहता ना इस पर, तो फिर ये मुझे बहुत पसंद आ जाता। आई नो कि लेदर जैकेट्स का प्राइस थोड़ा ज्यादा ही होता है। आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर लेदर जैकेट जो मैंने अर्बेनिक से लिया हुआ है। दिस इज द जैकेट, ये मैंने अर्बेनिक से लिया था करीबन 2 साल पहले और इसका प्राइस मुझे मिला था शायद 1500-1600 रुपए ऐसा कुछ तो भी। तो ये जैकेट मुझे उससे काफी बेटर है क्योंकि इसका ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, इसके अंदर ना ये वॉर्म मटेरियल का लाइनिंग है जिस वजह से ये जैकेट काफी वॉर्म रखता है। क्वालिटी वाइज मुझे ये काफी पसंद आया उस जैकेट के कंपेयर में। इसका प्राइस 2,000 रुपीज जस्ट डोंट फील राइट। मैं इस जैकेट को बिल्कुल भी रेकमेंड करना नहीं चाहूंगी। मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट आई लव इन दिस हॉल वीडियो, दिस पफर जैकेट फॉर ₹2078 साइज स्मॉल। इसमें दो कलर ऑप्शन अवेलेबल थे, इसमें ब्लैक भी था पर मैंने ब्लैक नहीं किया बिकॉज इन न्यू विंटर ट्रेंड ब्राउन इज द न्यू ब्लैक। इस जैकेट का ओवरऑल क्वालिटी, जिपर क्वालिटी, एवरीथिंग इज सुपर। ये काफी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है पहनने में। इट इज सॉफ्ट मटेरियल, इसके अंदर लाइनिंग दिया हुआ है और ये बहुत ज्यादा वॉर्म है। ये क्रॉप्ड है तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आया। एंड इट कम्स विद दिस हुड, इट लुक्स सो सो क्यूट। ये दिखने में बहुत क्यूट है, इसे कोई ड्रेसेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, ये बहुत क्यूट लगेगा। साइज स्मॉल में ये जैकेट मुझ पर रेगुलर फिट हो रहा है। अगर आपको थोड़ा रिलैक्स्ड और ओवर साइज लुक चाहिए तो यू कैन गो वन साइज अप। आई मीन मुझे इस जैकेट की हर एक बात बहुत पसंद आई है, लुक वाइज एंड क्वालिटी वाइज इट्स अ ग्रेट बाय फॉर दिस विंटर। मैं इस पफर जैकेट को सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगी इस हॉल वीडियो में। यू विल रेयरली सी समथिंग लाइक दिस इन माय वार्डरोब। यस, इसे देखने के बाद मैं नहीं कंट्रोल कर पाई खुद पे, मुझे इसे ट्राई करना था। ये मल्टी कलर क्रॉप कार्डिगन है, साइज स्मॉल फॉर ₹1469। मुझे अर्बेनिक्स के कार्डिगन बहुत ज्यादा पसंद है। इट्स मल्टी कलर कार्डिगन, दिखने में इट्स रियली क्यूट, लुक सो नाइस। क्वालिटी वाइज भी ये मटेरियल बहुत अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है और काफी वार्म रखेगा। आई थिंक इट इज टोटली वर्थ द प्राइस पॉइंट। मुझे 3 कलर के साथ इसे स्टाइल करना पसंद आया, वन दिस ब्राउन, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट के साथ तो दिस लुक स्टनिंग। ऐसा कलरफुल आइटम्स भी विंटर में बहुत अच्छा लगेगा। इस कार्डिगन को भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। लेकिन कोट्स और जैकेट सब हो गए, नाउ आई हैव स्वेटर्स टू शो यू ऑल। आई वांट टू स्टार्ट विद दिस टर्टल नेक स्वेटर या जंपर। मेरे पास ना टर्टल नेक बॉडी सूट्स एंड टॉप वेयर बहुत ज्यादा है पर ना एक हाई नेक स्वेटर नहीं था मेरे पास। एंड आई डोंट रिग्रेट माइंड दिस, इट लुक्स सो शीक। मुझे इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बेज एंड क्रीम कलर। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, ये भी काफी अच्छा क्वालिटी मटेरियल है। इसके स्लीव्स मुझे बहुत क्यूट लगे, इट्स लाइक थोड़े से बलूनी स्लीव्स। ये स्वेटर हैवी विंटर्स में लेयरिंग के लिए काफी काम में आएगा। इसके ऊपर आप कोई ओवरसाइज कोट भी पहन सकते हो फॉर एक्स्ट्रा वॉर्म। ब्लैक के साथ तो ये बहुत ही सही लगेगा, ट्राउजर्स और जीन्स के साथ भी बहुत क्यूट लगेगा। एटलीस्ट मेरे लिए तो भी विंटर में ये स्वेटर एक एसेंशियल आइटम लग रहा है। इस स्वेटर के लिए भी इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वेटर जो मेरे वीडियो में आप लोगों ने पहले देखा हुआ है, दिस वन। इसे लेकर ना शायद अभी 2 महीने होने को आ रहे हैं बट स्टिल आई वांटेड टू इंक्लूड दिस स्वेटर इन दिस वीडियो बिकॉज आई रियली लव इट। तो ये क्रॉप स्वेटर है विद बलूनी काइंड ऑफ स्लीव्स लाइक दिस, पफी स्लीव्स। मुझे इसका कलर सबसे ज्यादा पसंद आया, आई थिंक वी कैन कॉल इट ग्रेज कलर। ये भी मटेरियल बहुत अच्छा है, इट इज सॉफ्ट वार्म एंड इस प्राइस में तो इट इज रियली गुड क्वालिटी, इट फिट्स रियली नाइस। बस इफ ये थोड़ा ज्यादा ही क्रॉप्ड है तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग ब्रालेट और समथिंग लाइक दैट इनसाइड, क्योंकि थोड़ा सा भी हाथ ऊपर कर दिया तो पूरा हाथ तक ऊपर हो जाएगा। तो ये हैवी विंटर्स में काम नहीं आएगा बट फिलहाल की ठंडी के लिए ना बहुत ही क्यूट स्वेटर है। मुझे इसे ओवरसाइज बॉटम वेयर नहीं पर स्लिम फिट बॉटम वेयर के साथ से स्टाइल करना पसंद आया तो इस स्वेटर को भी मैं रेकमेंड करूंगा। लास्ट आइटम भी एक स्वेटर है, ये 2-piece स्वेटर है फॉर ₹1522 साइज मीडियम। ये कैमी टॉप है एंड देन वी हैव दिस
कटआउट वाला स्वेटर इसके ऊपर में. लुक वाइज दिस लुक्स रियली ऑसम. ये कटआउट वगैरह बहुत ही कूल दिख रहा है. इस मटेरियल का क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा. ये भी सॉफ्ट है और काफी ज्यादा वार्म है. इसके पहले दो स्वेटर जो मैंने दिखाया ना उससे काफी ज्यादा वार्म मटेरियल है और ये काफी स्ट्रेचेबल भी है. इनके पास साइज स्मॉल अवेलेबल नहीं है. मुझे इसका कैमी टॉप तो अच्छे से फिट हो रहा है पर ये ऊपर का जो स्वेटर है ये मुझे थोड़ा सा लूज लगा. ऐसा पिक्चर के जैसा फिटेड लुक नहीं आ रहा है. आई डोंट हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस विन. इसे भी मैं रेकमेंड करूंगी बट नॉट फॉर हैवी विंटर्स. मैं इसे फिल्म करना भूल गई तो आई विल फिल्म इट नाउ. दैट वाज आवर फाइनल आइटम इन दिस हॉल वीडियो. वाओ, इस वीडियो को फिल्म करने में पूरा दिन चला गया यार. प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड यू लाइक्ड इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. इट रियली डज हेल्प माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यू गाइज. बाय.